गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, अ बैड ड्रीम बाय डॉन बर्न। इट्स अ मच रिक्वेस्टेड चैप्टर। इट इज अ प्ले, इट्स अ प्ले। इट कैन बी इनेक्टेड ऑन द स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल let me tell you the brief summary of this chapter so that you can easily understand this act. There are basically five main characters in this act, in this play. First one is Mr. Hill, second Mrs. Hill, third assistant manager of the bank Mr. Briggs, and fourth Mr. Winter, and fifth servant Annie. So let us start the brief summary of the chapter. It was an afternoon. Mr. and Mrs. Hill took the lunch cooked by Annie. दोपहर का समय था। Mr. Hill और Mrs. Hill ने दोपहर का भोजन किया जो Annie ने बनाया था। It was a bad lunch. ये काफ़ी बुरा लंच था। The coffee was also terrible. जो कॉफ़ी बनाई थी यानी ने वो भी बहुत useless टेस्ट की थी। Mr. Hill wanted that they should sack Annie as she never cooked well. Sack means fire from job. तो Mr. Hill चाहते थे कि वो Annie को जॉब से निकाल दे क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं पकाती थी। Mrs. Hill answered that Annie had been serving them for the last 20 years. तो Mrs. Hill ने कहा कि Annie हमारे यहाँ पर 20 सालों से काम कर रही है, हमारी सेवा कर रही है। She was too old to get a new job. वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है तो उसे नई जॉब नहीं मिल सकती। Mr. Hill listened to nothing. Mr. Hill ने कुछ नहीं सुनना चाहते थे and answered that she must speak to her and give her 3 months टाइम टू सर्च अनदर जॉब। सो मिस्टर हिल ने कुछ भी सुना नहीं चाहते, उन्होंने कहा कि उसको 3 महीने का टाइम दे दो। एंड सेइंग दिस मिस्टर हिल वेंट टू स्लीप। इसके कहने के बाद मिस्टर हिल सोने चले गए। इट वॉज 2 o'clock, अब 2 बज गए थे। देर वॉज अ नॉक एट द डोर। तभी दरवाजा किसने खटखटाया? द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द बैंक मिस्टर ब्रिग्स एंड हिज कैशियर मिस्टर विंटर केम। तभी वहाँ पे जो असिस्टेंट मैनेजर था मिस्टर ब्रिग और जो कैशियर था मिस्टर विंटर, दोनों आए। मिस्टर हिल वॉज सरप्राइज्ड टू सी देम ऑन संडे। मिस्टर जो हिल था बड़ा हैरान था दोनों को संडे को घर पे देखकर। इट वॉज नेसेसरी फॉर देम, ये उनके लिए आवश्यक था टू मीट हिम, मिस्टर हिल से मिलना। मिस्टर हिल आस्क्ड देम टू सिट, मिस्टर हिल ने उन्हें बैठने के लिए कहा। मिस्टर ब्रिग्स आस्क्ड हिम व्हेन ही वाज गोइंग टू रिज़ाइन, तो मिस्टर ब्रिग्स ने पूछा उनसे कि आप कब रिज़ाइन कर रहे हो बैंक से। मिस्टर हिल वाज सरप्राइज्ड, मिस्टर हिल बड़ा हैरान था टू हियर दैट, ये सुनकर। मिस्टर ब्रिग्स एंड मिस्टर विंटर सैड दैट ही डिडंट बिहेव प्रॉपरली विद द बैंक एम्प्लॉयज़, कि मिस्टर हिल का अच्छा बिहेव नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है एम्प्लॉयज़ के साथ। And all wanted that he should resign. सभी चाहते हैं कि मिस्टर हिल को रिज़ाइन कर देना चाहिए। So, Mr. Hill said that he had been working with the bank for last 30 years. तो मिस्टर हिल ने कहा कि वो पिछले 30 सालों से बैंक में काम कर रहे हैं। The employees also told that he didn't work hard. Employees ने बताया कि मिस्टर हिल हार्ड वर्क नहीं करते। He used to come late in the morning. वो मॉर्निंग में अक्सर लेट आते हैं। And spend on lunch at least 2 or 3 hours. 2-3 घंटे लंच पर लगाते हैं। They had written to the head office. और वो सारे employees head office में Mr. Hill के against लिख चुके हैं। And they had agreed, और head office के employees भी agree इस बात को लेकर कि Mr. Hill must resign. Mr. Hill को resign कर देना चाहिए। They went away. फिर वो वहाँ से चले गए। Mrs. Hill came and informed him that she was going to have a long holiday with her sister. तभी Mrs. Hill वहाँ पे आती है
उसे इन्फॉर्म किया मिस्टर हिल को कि वो एक लंबी छुट्टियाँ बिताने जा रही है अपनी सिस्टर के साथ। मिस्टर हिल वांटेड हर सपोर्ट, मिस्टर हिल को उसकी सहायता चाहिए थी उस टाइम, बट शी हैड लेफ्ट सून, लेकिन वो जल्दी वहाँ से चली गई मिसेज हिल। एनी केम इन, एनी अंदर आई एंड आस्क्ड हिम फॉर टी, और उसको चाय के लिए पूछती है। मिस्टर हिल टोल्ड एनी दैट ही हैड नो मनी टू पे हर। अब मिस्टर हिल ने एनी को बताया कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं उसको सैलरी देने के लिए। एनी सैड इट डिडेंट मैटर, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शी वॉज नॉट वर्किंग फॉर मनी, वो पैसे के लिए काम नहीं कर रही थी आपके यहाँ पर। एंड शी वुड नॉट लीव हाउ, और वो घर को भी छोड़कर नहीं जाएगी। सून मिस्टर हिल वॉक अप, तभी मिस्टर हिल जाग गए। मिसिज हिल केम इनसाइड, मिसिज हिल अंदर आई। मिस्टर हिल वॉज सरप्राइज्ड, मिस्टर हिल बड़े हैरान थे टू सी हर, एनी को वहाँ पर, मिसिज हिल को वहाँ पर देखकर। शी हैड लेफ्ट फॉर हर सिस्टर्स प्लेस, मिसिज हिल टोल्ड दैट शी डिडंट गो एनीवेयर। मिस्टर हिल परेशान हैरान थे कि वो अपनी बहन के साथ गई हुई थी एक लंबी छुट्टियों में, वापस आ गई उसको छोड़कर, लेकिन मिसिज हिल ने उसको बताया कि एक्चुअली वो तो कहीं गई नहीं थी। सो मिस्टर हिल वॉज ड्रीमिंग, एक्चुअली मिस्टर हिल एक सपना देख रहे थे। ही आस्क्ड इफ शी हैड आस्क्ड टू एनी, क्या उसने एनी को बताया है। मिसिज हिल रिप्लाइड इन नेगेटिव, मिसिज हिल ने नकारात्मक रवैये में आंसर दिया, नहीं उसने एनी को कुछ भी नहीं बताया। मिस्टर हिल सैड दैट शी शुड नॉट टॉक टू हर, मिस्टर हिल ने कहा कि अब उसको उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। एनी वुड नॉट गेट अ न्यू जॉब एट दिस एज, एनी को इस एज पर कोई नई जॉब नहीं मिलेगी। सो दे माइट कीप सम हेल्पर इंस्टेड, हम उसकी कुछ सहायता कर सकते हैं। द ड्रीम मेड मिस्टर हिल अ चेंज पर्सन नाउ, अब उस बुरे सपने ने मिस्टर हिल को बुरे तरीके से बदल दिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज द ब्रीफ समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो लिसन इट ट्वाइस एंड थ्राइस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर इज बेसिकली अ प्ले, and plays are often divided with the help of acts. So listen it twice and thrice to it to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.